सोनिया जायसवाल, आप देख रहे हैं चम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। मध्य प्रदेश के सीधी के कोतवाली थाने में पत्रकार के कपड़े उतरवाने के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। रीवा जोन के आईजी ने इस मामले में थाना प्रभारी और एक सब इंस्पेक्टर को लाइव अटैच कर दिया है। कांग्रेस भी इस मामले में हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे लॉकअप में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण बताया है। इस मामले में संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षक आईजी रीवा से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल सीधी के कोतवाली थाने में पत्रकार कनिष्ठ तिवारी और अन्य लोगों पर धारा 151 के तहत केस दर्ज किया गया था। मामला भाजपा विधायक केदारनाथ सिंह से जुड़ा हुआ है। पत्रकार और रंगकर्मियों से थाने में कपड़े उतरवाए गए थे और उन्हें अंडरवेयर में ही लॉकअप में बंद किया गया है। इस मामले में थाना प्रभारी मनोज सोनी की सफाई भी सामने आई है। मनोज सोनी ने कहा कि पकड़े गए लोग पूरी तरह से न्यूड नहीं है, उन्होंने अंडरवेयर पहन रखी है। हम सुरक्षा की दृष्टि से अपराधियों को हवालात में अंडरवेयर में रखते हैं। पूरे कपड़े पहने होने पर अपराधी फांसी भी लगा सकते हैं। इस तरह की घटनाएं भी खूब हो रही हैं। इस वजह से हमने उनके कपड़े उतरवा लिए थे। तो ये थी हमारी आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ।